हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस कुमार फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के हम इस लेक्चर में वर्चुअल वर्क के बेस्ट कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल जो होगा, जैसे आपने टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ, अगर हम सपोर्ट की बात करें, रोलर और वो दो ही आते हैं आपके, ठीक है, वो तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत। अब आएगा बात, इसमें हो सकता है ये बीम में ओवर हैंगिंग कर दे, है ना, फिक्स बीम कर दे, वो उसके अकॉर्डिंग है ना। मैक्सिमम में सिंपली सपोर्टेड ही देता है, ठीक है। हाँ, अब लोड की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर आपके पास इसके ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, इसके ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है, या फिर एक हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं, तो हमें किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल के अप्लाई करके हम इसका रिएक्शन वैल्यू, यहाँ ना रिएक्शन वैल्यू दोनों सब जितने पॉइंट पे मांग पूछ रहा है वो एग्जामिनर, उसको निकालना सीख गए। अब बात आती है, ये तो हम पॉइंट लोड पे सीख गए, अब आता है UDL की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अगर आप शेप की बात करो, वो किस टाइप से होता है आपको पता है, आप लोगों को ऐसा कुछ आपने देखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये कभी कभी एग्ज़ाम में इस फॉर्मेशन में भी दे देते हैं इस टाइप से, ठीक है, दोनों ही UDL ही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो बीम है उसको कवर करें, है ना, हो सकता है ये, जैसे सपोज कीजिए पूरा का पूरा बीम के ऊपर दे दे, ये हो सकता है ये थोड़ी कुछ दूर पे दे, कुछ दूर पे नहीं दे। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे UDL लगाए, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक लगा दिया और बाकी छोड़ दिया, और दो लोड भी दे सकता है, कभी UDL भी दे देता है, पॉइंट लोड साथ में भी दे देता है ना। तो हमने पॉइंट लोड का, तो अगर पॉइंट लोड रहता है तो कॉन्सेप्ट उसका हमने सीख चुके हैं, हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि UDL रहेगा तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल सा, ये रहा, देखिए सपोज कीजिए, सपोज कर लेते हैं अपन ये रहा कि यहाँ से यहाँ तक UDL लग रहा है, ठीक है। आपको बस ये देखना कि UDL कहाँ, किस पॉइंट से कहाँ तक लग रहा है, किस पॉइंट तक लग रहा है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 2 मीटर दे दिया हमने, 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर मेंशन कर लेते हैं, इसको 1 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे सपोर्ट लगा लेते हैं, एक सपोर्ट है आपके, ठीक है, ये UDL लग रहा है, ठीक है। अब ये UDL जो होता है वो हमेशा इसका जो होता है मेंशन यहाँ पे, या तो किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो मीटर में देगा, अगर mm होगा नीचे तो mm में देगा, ठीक है। अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर में दे रखे हैं, लेकिन पॉइंट लोड किस में होता है आपका, या तो न्यूटन में रहेगा या फिर किलो न्यूटन में रहेगा, इसी फॉर्म में रहते हैं। अब पहले इसे हमें UDL को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमें प्रोसेस मालूम है किस टाइप से पॉइंट लोड अगर रहता है तो हमें किस टाइप से उसे सॉल्व करना होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, ठीक है। पहले इसे हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। देखिए सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको लो डिस्टेंस देखना कि UDL किस पॉइंट से लेके कहाँ तक, किस पॉइंट तक है। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है मेंशन, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, हमें UDL देखना है कि जितने डिस्टेंस है उसको, और जो लोड लग रहा है वो किलो न्यूटन पर मीटर होगा। अब किलो न्यूटन पर मीटर को आप मीटर से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, किलो न्यूटन, तो पॉइंट लोड का क्या होता है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, इसी फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने डिस्टेंस पे लोड लग रहा है इस लोड को और जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पॉइंट लोड आ जाएगा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, ये आगे सपोर्ट, ठीक है,
अब देखिए ये 10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि ये यहाँ 2 तक ही लग रहा है, तो कितना आ गया 20। अब 20 किलो न्यूटन आ गया अपने पास, ये आ गया पॉइंट लोड। अब ये लगेगा कहाँ पे, इनके बीच में, ये जहाँ से जहाँ जिस पॉइंट तक लग रहा है इसके बीच में, तो ये यहाँ पे आएगा ऐसा कुछ, तो बीच इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 का हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ से इस पॉइंट तक 1 होगा, और पहले से ये 1 दे रखा है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक मानेंगे, यहाँ तक, ये यहाँ पे लग गया, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। यहाँ से अगर हम इसके नाम दे देते हैं ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट नाम देते हैं, ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो आपका लगेगा पॉइंट लोड में, इसको हमने जो कन्वर्ट किया है कहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये इसका हाफ करते हैं अपन, सिंपल सा है, किस पॉइंट पे लगेगा, हाफ पे, और इसको पॉइंट लोड में करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये लग कितना रहा, 10 ये हो गया, 2 ये हो गया, कितना हो गया 20 किलो न्यूटन। अब ये आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट होते ही अब इसे नॉर्मल जो प्रोसेस है आपका उससे सॉल्व कर सकते हो, और रिएक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है यूवीएल का, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, जैसे ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरिएशन आ रहा है, हर एक पॉइंट पे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब इस टाइप से दे दिया, इससे पहले हमने यूडीएल का कॉन्सेप्ट कर लिया, क्या करना है उसमें, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए पहले पॉइंट में करेंगे, फिर जैसे हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं हमें सॉल्व करना आता ही है, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पहली बार हमें इसका जो लोड होगा वो कितना होगा वो देखना है। देखिए इस टाइप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप 10 दे रखा है, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। अब हम ये देखो, अगर आप देखो एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ बी इंटू एच, और ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ वो मेंशन करेगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। अगर ये 5 मीटर दे दिया, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर और ये 10 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी कितना हो गया, बेस कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो गया 5, 25 आ गया, 25 क्या हो गया, लोड आ गया, कि में आ गया वो कन्वर्ट हो गया, वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कितना 25। अब सबसे ज़रूरी वाली बात ये कि वो लगेगा कहाँ पे, हमें देखनी है कि इसकी हाइट किस साइड है, ठीक है, हाइट इसकी किस साइड है, ठीक है। अब देखो हाइट इस साइड से, हम हाइट वाले साइड से 1/3 लेंगे, जितना डिस्टेंस सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ एल है, यहाँ से पहले इसमें हमने कितना 5 लिया, 5 का 1/3 कर दोगे, 5 का 1/3 कर दो, डिवाइड कर दो, तो जैसे जितना आएगा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उस पॉइंट पे लगेगा, हाइट वाली साइड हमें देखना है। अगर ये डायग्राम इस टाइप से नहीं है तो हो सकता है इस टाइप से दे देगा वो रिवर्स में, ठीक है। अगर ऐसे मेंशन कर दिया वो, तो आपको क्या करना है, हाइट इस साइड से है, इस साइड से 1/3 पे देख लेंगे, ठीक है, ऐसे करना है। एक इसको भी समझ लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, सपोज कर लीजिए ये रहा, ये पेन वर्क नहीं कर रहा सही से, चलो यहाँ पे हमने सपोर्ट बना दिया, पॉइंट ले लिया ए बी, ठीक है। अब हमें देखना है ये यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे दे दिया कितना 20 मान लेते हैं, 20 न्यूटन पर मीटर दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सपोज कर लो 3 मीटर दे दिया, यहाँ से यहाँ 2 दे दिए, ये भी 3 दे दिया, और ये भी इसको मान लो इस, ये भी 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सबको 3-3 कर दिया, है ना। अब हमें देखना है कि पहले तो लोड कितना होगा, ये पॉइंट लोड में करेंगे तो पॉइंट लोड में करने के लिए क्या करेंगे, हाफ बी इंटू एच, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो हाफ बी इंटू एच करेंगे तो कितना होगा, 20 का हाफ कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हाफ
इंटू 20 इंटू बी तो ये है 3 और ये एस 20 हो गया, तो ये हो गया 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे 30 आ गया। पॉइंट लोड में कितना आ गया ये 30 आ गया अपने पास, 30 आ गया पॉइंट लोड में। अगर हम इनकी बात कर लें, दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, ठीक, इसका जो हमने निकाला कितना आ गया 20 हाफ हाफ इंटू 3 इंटू 20, तो कितना आ गया आपका 30, ये पॉइंट लोड आ गया 30। सबसे ज़रूरी चीज़ अब लगेगा कहाँ पे, हमें देखना है लोड तो आ गया 30 हमें, यानी हाफ करके हमने हाफ कर लिया, हाफ इंटू 3 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, ये 10 हो गया और ये 30 आ गया। अभी 30 लगेगा कहाँ पे, जिस साइड से हाइट हो उस साइड से एल बाई थर्ड करनी है, जितनी लेंथ हो, पूरी लेंथ हमें नहीं लेनी, यूडीएल यूवीएल जहाँ तक लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना 3 बाई थर्ड करो, कितना गया 1। तो इस पॉइंट से लेके है ना, अगर हम पॉइंट का नाम ए बी और ये सी दे देते हैं, इसको सी पॉइंट से लेके इस साइड 1 मीटर पे, अब 1 मीटर अपन यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है, तो ये जाके यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और ये लगेगा कितना, कितना हुआ आपको 30 न्यूटन है, किलो न्यूटन है, किस में भी हो सकता है, ठीक है। ये जिसमें होगा 20 उसी में ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना था 3, अब इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 3 पहले से है, ये 1 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 4, ये 4 मीटर हो गया। रिमेनिंग जो है आप मेंशन कर लो, यहाँ से यहाँ 3 था और ये 3 और ये 1 सेट हो गया, कितना हो गया ये 5 हो जाएंगे। इस टाइप से आपको करने, अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, अब इसे आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे जो आप प्रोसेस कंटिन्यू करते हो सेम। अब प्रॉब्लम की बात ये है, जैसे ये करोगे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो आप पहले करते आ रहे हैं, हाँ। अब एग्जामिनर क्या करता है, एक लोड एक कोई नहीं देता, आप क्या कर, वो एग्जामिनर क्या करते हैं, दो लोड दे देते हैं, कभी कभी ऐसे करते हैं, जैसे एक पॉइंट लोड दे दिया, एक यूडीएल दे दिया, ऐसे कर लेते हैं, या फिर एक पॉइंट लोड दे दिया, एक यूवीएल दे दिया, कैसे इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। या फिर यूवीएल दे दिया, यूडीएल, कोई भी दो तीन लोड भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रोसेस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप जो मेथड है उसी मेथड को अप्लाई करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, इसके ऊपर बेस्ड हमने यूडीएल और यूवीएल जो किया है, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड करते हैं। यूवीएल के ऊपर ये है आपका, यूडीएल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, अब बीम एसी ऑफ 3 मीटर लेंथ इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शो इन फिगर, एक डायग्राम दे रखा है, इस पे इसका लेंथ दे रखा है, टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के मेथड से हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन वैल्यू, है ना, किस किस पे, एक तो ए है एक बी है, दोनों सपोर्ट। अब देखें सब, अब इसमें यह आपको ये देखना है, ये सपोर्ट कौन सा है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर बीम की बात करें, देखो ये बाहर की ओर जा रहा है, तो ये हो गया ओवर हैंगिंग बीम, और इसमें लोड कितने लग रहे हैं, एक तो देखो दो लोड लग रहे हैं इसमें, एक तो ये 5 किलो न्यूटन जो कि पॉइंट लोड है, और एक यूडीएल लग रहा है पूरे, यानी स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आपके यूडीएल लग रहे हैं। अब हमें इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब देखिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये कितने कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक फैला हुआ, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और ये क्या है 10 किलोमीटर पर मीटर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 किलो न्यूटन आ गया। अब ये लगेगा कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे जो ये डायग्राम देख रहे हो, दूसरा डायग्राम जो है,
हमें टोटल का क्या करना है, हाफ करना है, जहाँ तक लग रहा है UDL हाफ करना। ये टोटल कितना है, थ्री का हाफ करेंगे 1.5। तो देखो A से एक पॉइंट और हमने मान यहाँ पे मेंशन कर दिया D, A से D तक का डिस्टेंस कितना ले लिया 1.5, क्यों, क्योंकि हाफ करना था हमें, है ना। 30 किलोमीटर कहाँ आ गए, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर मीटर। देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे ये पर मीटर नहीं आएगा, ठीक है, ये मीटर ही आएगा। तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, 30 किलो न्यूटन आएगा यहाँ पे मेंशन है ना 30 किलो न्यूटन, मीटर नहीं है ना, दो गलती से यहाँ पे मीटर आ गया, ये 30 किलो न्यूटन है, ठीक है। और जैसे ये 5 किलो न्यूटन है वैसे ये 30 किलो न्यूटन है, यहाँ पर मीटर है लेकिन ये पर मीटर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मैंशन यही होगा। हमने सपोर्ट ले लिया, ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है हमें सिमिलर ट्रायंगल को यूज़ करके। देखिए हमने सी पॉइंट पे क्या माना, वाई मान लिया डिस्टेंस, और बी पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, तो बी है तो वाई बी कर लिया, और डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाई डी कर लिया। अब आपस इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों में। देखिए अब फर्स्ट ट्रायंगल यूज़ कर लें हम, ए डी वाले हम ए बी को, यहाँ वाई बी की वैल्यू निकालना ना, हाँ तो वाई बी को कर लेते हैं और वाई को कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल वाई बी की बात करें, वाई बी कहाँ है, बी पॉइंट पे, तो वाई बी अपॉन सी पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, वाई। और डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, ए से डी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए बी अपॉन ए सी, और ये यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में वाई। देखिए यहाँ पे मेंशन है, अब ए बी का वैल्यू रख दिया कितना है, 2, ए सी का वैल्यू 3, ये वाई आ गया। दूसरा रिलेशन है वाई डी के बीच में, मैं ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 1.5, ए से सी तक का 3, उसको यूज़ करेंगे अपन, तो वाई डी अपॉन इसके लिए क्या है, वाई इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, और ये वाई राइट साइड जाएगा, यहाँ पे मेंशन है, इनकी वैल्यू रख दीजिए, ए डी का कितना है 1.5, ए सी का 3, और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया वाई डी का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा हम जो कंसीडर करके चल रहे हैं, हम ए को कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आप उल्टा मत कीजिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। हम जिस पॉइंट को जीरो मान के चल रहे हैं, एक को तो जीरो किया, एक को इनक्रीज़ कर दिया है ना, वर्चुअल हमने डिस्प्लेसमेंट जो माना है, एक हमने एक को तो जीरो किया है, दूसरे को इनक्रीज़ कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगर हम बात कर लें एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क मस्ट बी जीरो, सही है। अब आगे आते हैं, अब देखिए आर ए के द्वारा कितना डिस्टेंस हुआ, ए पॉइंट पे देखो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सो द वर्क डन बाय अदर फोर्सेज इज जीरो बिकॉज ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट। अदर फोर्स किसके लिए मेंशन किया है, आर ए के लिए, आर ए के लिए यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो उसके लिए तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स नीचे से लग रहा है उसके लिए पॉजिटिव मान रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं उसके लिए निगेटिव कर रहे हैं, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव करना है, ठीक है। फोर्स नहीं होगा, ये वर्क डन होंगे, जो वर्क डन नीचे से ऊपर की ओर जाने, जो फोर्स, देखो अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ आर ए के लिए तो जीरो हो गया, आर बी की अगर हम बात करें, ठीक है, आर बी के लिए ये बी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, आर बी इंटू वाई बी, ठीक है, बी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, बी, और नेक्स्ट जो पॉइंट है 30 किलो न्यूटन, अब ये जो 30 किलो न्यूटन है इसके लिए डिस्टेंस क्या है, डी पॉइंट पे वाई डी, तो 30 इंटू वाई डी, ये निगेटिव इसलिए हमने मेंशन किया है कि ऊपर से लग रहा है इसलिए निगेटिव, फिर ये 5 किलो न्यूटन लग रहा है, ये भी ऊपर से लग रहा है 5 किलो न्यूटन, और ये किस पॉइंट पे लग रहा है, सी पे लग रहा है, तो इंटू सी के लिए क्या था डिस्टेंस, वाई, तो वाई कर लिया, बराबर इक्वल्स टू जीरो,
नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके, देखिए ये हमने कर लिया, हमने यहाँ पे वाई बी का वैल्यू रख दिया, नेक्स्ट इक्वेशन वाई बी का और वाई डी का वैल्यू रख दिया, तो ये आ जाएंगे दो। देखो इन इक्वेशन में वाई कॉमन है, वाई कॉमन लेकर राइट साइड भेज देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आर बी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया 30 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो सपोर्ट नीचे से लग रहा है और जो ऊपर से लग रहा है दोनों को आपस में इक्वेट करो, नीचे से कितना है आर ए आर बी, तो आर ए प्लस आर बी, और ऊपर से कितना 30 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन, तो आर ए प्लस आर बी कोस्टू क्या हो जाएंगे 30 प्लस 5 35 हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर बी का वैल्यू रख देंगे, इस इक्वेशन में करना क्या है आपको, आर ए आर बी का वैल्यू रखोगे और यहाँ से आर ए का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। इस टाइप से आप इनके रिएक्शंस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।